राधे टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी पूजा पाठ मैंने कर लिया है, आपने देखा ही है। और लाला ने आज जो है ना नई नई ड्रेस पहनी हुई है ब्लैक कलर की, तो आपने पिछली वीडियो में देखा ही रहा होगा कि मैंने मंगाया था। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, शनिवार था तो मैंने जो है ना पहना दिया है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं लाला। और इधर की जो है कि चौकी वगैरह मैंने उठा दिया, यानी कि हस्बैंड ने उठा दिया है, क्योंकि रूम की धुलाई करनी थी तो रूम तो धुल गया है। और अभी सब बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, तो पढ़ाई लिखाई भी सब कर रहे हैं अपना। और इधर सब है, यहाँ तो उठा दिया गया है क्योंकि पूजा वाला रूम हमेशा साफ़ रहना चाहिए, कोई सा भी रूम हो हमेशा साफ़ रहना चाहिए तो अच्छा रहता है। तो यह उठा दिया गया है, और जैसे कपड़ा धुलने के लिए हस्बैंड बैठे तो वैसे ही जो है कि पानी जो ख़त्म हो गया है, ख़त्म क्या हो गया, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है और जो है कि किचन में आ रहा है। मैं चलिए किचन में तो कम से कम आ रहा है, क्योंकि अगर किचन में नहीं आएगा तो वही है कि खाना पानी कुछ बन ही नहीं पाएगा। तो पता नहीं क्या दिक्कत हुआ है, बाथरूम में नहीं आ रहा, तो यहाँ से किचन से भर भर के बाल्टी से लेके जाया जा रहा है, तब आदमी नहा रहा है। तो सुबह सुबह जो है ना यहाँ देखिए दूध आ गया था, दूध कल थोड़ा कम मतलब दिए थे भैया, तो यहाँ सुबह सुबह पहुँचा गए, तो इसको मैंने जो है ना खौला दिया है। और कल का मैंने जो है ना बैटर जो है कि डोसा का यहाँ पूरा अच्छे से चावल भिंगो कर उड़द का दाल और मेथी दाना पूरा मतलब पीस के रख दिया है, तो इसको जो है ना शाम को बनेगा इसका डोसा। तो आज मैं बनाऊँगी घर पर ही डोसा, काफ़ी अच्छा लगता है घर पे जो होता है बना के खाने से, आदमी एक के बजाय दो खा लेता है, और बाहर का तो थोड़ा सा वो लगता है। तो सांभर और डोसा बनाऊंगी, वाइट वाली जो चटनी आती है ना वो कोई नहीं खाता है, तो इसीलिए वो नहीं बनाऊंगी। और चलिए जो है कि नाश्ता कर लेते हैं, और लड्डू बाबू को भी नाश्ता कराते हैं, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। लोग उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, और इधर लाला के दर्शन कर लीजिए आप सभी लोग। आज है शनिवार, तो लाला के आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए। देखिए कितने मनमोहक लग रहे हैं मेरे लड्डू बाबू, और माता रानी के दर्शन कर लीजिए, देखिए कितने स्माइल कर रहे हैं। तो सभी लोग बोल दीजिए राधे राधे। यहाँ जो लाला को मैंने भोग लगा दिया है फ्रूट का, यहाँ पे बच्चों को जो है कि मैंने दे दिया है नाश्ता फ्रूट का, और उसके बाद यहाँ मैंने दूध में ना कॉर्नफ्लेक्स डाला हुआ, तो ये भी खिला दूँगी। तो दोनों बच्चों को अपने हाथ से खिला देती हूँ। देखिए कल मैंने जो है कि नया लाइट लगवाया हुआ है, बाबू जलाओ, या देखिए ये पूरा इस तरीके से जलता है, बंद करो बेटा बंद करो, देखिए इस तरीके का है पंखा वाला। तो मतलब कि खाना वाना बनाना रहता है ना, तो काफ़ी उजाला चाहिए, और वीडियो भी इसी में थोड़ा बहुत शूट करती हूँ। तो जलाओ बेटा, देखिए काफ़ी वाइट रोशनी है, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैं सोचा कि कमरे में भी इसको लगवा देती हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया है, और यहाँ कल के जो कपड़े रखे हुए थे ना वो सारे जो है कि मैंने तय कर लिए बस उनकी जगह पे रखना है, क्योंकि कल जो है कि मैंने बिल्कुल तय नहीं किया था, मन ही नहीं करता तय करने का, तो बेडशीट वगैरह चेंज करके कपड़े लगाते हैं उनकी जगह पे। तो इधर मैं किचन में आ गई हूँ, मुझे जीरा जो है कि भुनना था, तो जीरा भुना रखा हुआ था तो ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसे जो है कि भून लेती हूँ। तो यहाँ धीमी आँच पे भून रही हूँ, और इधर जो है ना मैंने बूंदी का रायता बनाया हुआ है, तो उसी में मुझे डालना है, तो बना के रख लेती हूँ तो थोड़ा बहुत काम आ जाता है। चलिए इसको भून लेते हैं, फिर इसको पीसते हैं। और इधर जो है कि मैंने ना जीरा को भून लिया है, और इसको छोटे से कंटेनर में रख दिया है। चलिए क्या मेरा महीना 15 दिन की छुट्टी हो गई। दोस्तों इधर चढ़ा दिया है मैंने खिचड़ी, तो अभी पूरा किचन जो है कि गंदे होने वाले देख सकते हैं आप, और छीटा पड़ जाता है, इसलिए बनाने का मन नहीं करता है। तो मूंग दाल की खिचड़ी मैंने चढ़ा दिया है इसमें। जो है कि लंच पूरा तैयार हो गया था, तो उसके बाद हम लोग जो है कि लंच कर रहे हैं बैठ के सभी लोग यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए नीचे, तो सभी लोग अपना अपना जो है कि खाना एंजॉय कर रहे हैं, और लाला को भी मैंने भोग लगा दिया है। तो बिना भोग लगाया तो भाई हम लोग खाएँगे नहीं, लाला को तो उनको भी लगा दिया है, हम लोग भी खा रहे हैं।
तो चौकी उड़ गया तो काफ़ी जो है ना यहाँ पे जगह हो गया है, ये बैठ के हम लोग आराम से खा रहे हैं। और कपड़े इतने ज़्यादा देख सकते हैं वॉशिंग मशीन पे रखा हुआ है, आपको दिखा रहे हैं। लाइट ना रहने, पानी ना रहने की वजह से देखिए पर रखा हुआ है, जो है कि अब पानी जब जैसे आएगा वो हस्बैंड रात को ही धो देंगे, क्योंकि पानी बाथरूम में आ ही नहीं रहा है तो कैसे कपड़ा धुलाएगा, किचन से पूरा काम हो रहा है। तो चलिए लंच कर लेते हैं तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। इधर जो है कि लंच हो गया है, सारा बर्तन वगैरह माँज दिया है मैंने और सारा जो है कि यहाँ पोछ पाछ दिया है अच्छे से। और इधर जो खिड़की बंद कर देती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप आता है और ये बल्ब जलने से ना काफ़ी अच्छी रोशनी आ रही है किचन में। दोस्तों इधर शाम हो गई थी और लाला का मैंने जो कि श्रृंगार कर दिया है, उनको जगाकर और उनको भोग लगा दिया है गुलाब जामुन का, तो आप देख सकते हैं। पहले पहले जो है कि मैं कड़ी पत्ता तोड़ लेती हूँ क्योंकि शाम हो जाएगा ना तो फिर नहीं तोड़ा जाता है, तो इधर तोड़ लिया है, देखिए इधर तोड़ लिया है कड़ी पत्ता। और उधर जो कि रथ आया हुआ है, मुझे लग रहा है कि शादी वगैरह है, तो उधर देख सकते हैं आप रथ है। तो गाय इधर मैं आ गया हूँ किचन में, इधर जो है ना आलू बॉईल कर दिया है मैंने, तो अभी इसकी सीटी निकलेगी तो इसको निकाल के ठंडा कर लूँगी। और इधर जो है ना डोसा में डालने के लिए जो है कि मैंने पनीर मंगाया है, क्योंकि मैं डोसा में ना उसके जो आलू होते हैं उसमें पनीर का भी यूज़ करती हूँ। और इधर सब्ज़ी मंगा लिया था तो सब्ज़ी मैंने सारी वॉश कर दी है, तो रोज़ रोज़ ही मैं सब्ज़ी मंगा लेती हूँ ताज़ी ताज़ी। और ये लौकी मंगाया है तो ये मैं सांभर में डालूँगी, छोटा सा ही मंगाया है। और इधर कुछ फ्रूट मंगा लिया था तो रोज़ रोज़ फ्रूट आ जाता है। और सब्ज़ी सारी सभी मैंने चीज़ वॉश कर दी है, अब चलती हूँ फिर से मैं अब चाय बनाती हूँ। तो यहाँ जो है कि चाय बैठा दिया है मैंने, चाय हो रही है। उधर शाम हो गई है, बोल देखिए बाहर कितनी तेज हवा चल रही है पेड़ों पे, देख सकते हैं पेड़ कितना तेज तेज हिल रहा है। तो यहाँ जो है कि मर्चा मैंने धुल लिया है और इसकी जो डंठल है ना मैंने निकाल लिया है, अब इसको जो है ना रख देते हैं कंटेनर में। तो ऐसे क्या होता है कि मर्चा काफ़ी दिन तक चल जाता है। इधर मैं आ गई हूँ रेलिंग पे, थोड़ा देखिए कितना तेज़ हवा चल रहा है पूरा, और कितना अच्छा मौसम हुआ है आप देख सकते हैं, बादल बिल्कुल एकदम बदली टाइप का लग रहा है, बिल्कुल शाम को इसी तरह मौसम हो जा रहा है। और दोपहर को जो है ना काफ़ी धूप रहती है इधर, तो इधर देखिए काफ़ी सुहाना मौसम है और हवा चल रही है। पौधों में जो है कि मैं सुबह ही जो है कि पानी उन्हीं डाल देती हूँ, और इधर इस तरह से पूरा अभी सामने का दुकान वगैरह सब बंद है। कितना पसीने पसीने हुई हो आ? बोलो बोलो ए करती हो दिन भर। तो गाय इधर जो है कि डोसा की मेरी पूरी तैयारियां हो गई हैं, तो इधर जो है कि सांभर मैंने बना लिया है, इधर आप देख सकते हैं सांभर मैंने बना लिया है। और इधर दूध आ गया तो चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए। और इधर जो है कि मेरे मसाला आलू भी बनकर तैयार है यहाँ। और बस अब जो लाला को जो है कि अब सबसे पहले भोग लगाएंगे डोसे का, तो चलिए बना लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद सभी के लिए बनाऊंगी। तो गाइस इधर जो है कि लाला को भोग लगा दिया है मैंने, सबसे पहले बनाकर लाला को डोसा खिला दिया है। अब लाला मेरे बताएंगे कि इनको कैसा लगा डोसा, है ना माधव जी, लड्डू जी, केशव जी मेरे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे खा के कि मैया के हाथ का डोसा कैसा लगा आपको। दोस्तों बना के जो है कि डोसा लाला को चढ़ा दिया है, भोग लगा दिया है उनको, और फिर अपने सबके लिए अभी मैं बनाती हूँ थोड़ी देर बाद। तो अभी तवा जो है कि गर्मी है तो मैंने जो है कि बंद कर दिया है, लाला को भूख लगा दिया है, फिर उसके 10 मिनट बाद फिर मैं जो कि बनाती हूँ सबके लिए। चलिए देर के बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस इधर जो है कि डोसा बनना स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो यहाँ आलू जो है कि लगा दिया है और थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा बन गया है, तो इसके ऊपर जो है ना अब जो है कि ग्रेट करके पनीर डालती हूँ।
इधर जो है कि ग्रेट करके पनीर डाल दिया है, अब इसको जो कि मोड़ लेते हैं। इधर देखिए डोसा बन के तैयार है गाइस, जो कि डोसा बन के तैयार है। और जो है कि आइए आप लोग भी खा लीजिए और हम लोग भी खाते हैं। चलिए सबको देते हैं गाइस। इधर जो है कि सबका जो है कि डिनर हो गया है और लाला ने भी जो है कि डोसा वोसा खा लिया है। अभी इनको नाइट ड्रेस मैंने पहना दिया है, तो अब इनको दूध का भोग लगाती हूँ, फिर इनको सुलाती हूँ। इधर जो एक लड्डू बाबू को मैंने दूध का भोग लगा दिया है, लाला को मैंने जो कि सुला दिया है। तो दोस्तों लाला को जो कि मैंने सुला दिया है और जो कि हम लोग का भी जो कि डिनर हो गया है। डोसा इतना अच्छा बना था कि आपसे क्या बताएं, काफ़ी अच्छा लगा और बच्चों लोग को काफ़ी अच्छा लगा। और जो है कि ब्रेगर में थोड़ा सा रखी हुई थी कि इडली बनाने के लिए, लेकिन फिर से उसे घोलना पड़ा। इतना अच्छा लगा लोगों को, काफ़ी अच्छा लगा। बाहर का रहता तो आदमी एक ही में मतलब पेट भर जाते, यहाँ तो आदमी दो दो खा ले, तब भी वैसे बहुत अच्छा डोसा बना था, बहुत अच्छे हो रहे थे। और सब लोगों ने जो है कि डिनर कर लिया है और अभी बर्तन थोड़ा बचा हुआ माँजने के उसको माँज लेती हूँ। और इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, बाय बाय।